हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑन एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। आवर टुडेज टॉपिक इज कम्युनिटी इकोलॉजी। सो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कम्युनिटी इकोलॉजी एंड इट्स वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिटी। तो कम्युनिटी इज़ अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज, यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया में या पर्टिकुलर जगह के अंदर अलग अलग स्पीशीज़ की पॉपुलेशन अगर एक साथ रहती है और आपस में इंटरेक्ट करती है, एक दूसरे पर निर्भर रहती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कम्युनिटी। यानी कि जितनी भी जैविक कंपोनेंट है एक पर्टिकुलर स्थान पर, जिसमें कि प्लांट कम्युनिटी आ जाती है, जितने भी पेड़ पौधे हैं वहाँ के, जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी माइक्रोब्स हैं, जीवाणु विषाणु है सब, और उसका आपस में इंटरेक्शन, उसको हम कहते हैं कम्युनिटी। और इसी के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, कम्युनिटी इकोलॉजी। तो इसमें हम देखेंगे कि कम्युनिटी जो इकोलॉजी है उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स क्या हैं, उसके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। एक इम्पोर्टेंट हमारा इकोटोन। तो जनरली हमने देखा है कि जैसे कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर एक प्रकार की कम्युनिटी पाई जा रही है एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में, जैसे उसको हम नाम देंगे कम्युनिटी वन। इसी तरह से उसके पास दूसरी कम्युनिटी है डिफरेंट टाइप की, जिसको हम नाम देंगे कम्युनिटी सेकंड। तो इन दोनों कम्युनिटी वन और सेकंड के जो बीच का पार्ट है, यहाँ के जहाँ पे इन दोनों की बाउंड्री है या जहाँ दोनों कम्युनिटी आपस में मिल रही है, तो उस एरिया में हम क्या देखेंगे, कम्युनिटी वन के स्पीशीज़ भी पाई जाएगी और कम्युनिटी टू की स्पीशीज़ भी पाएगी, और साथ ही सम यूनिक टाइप की स्पीशीज़ वहाँ मिलेगी। तो इस तरह के इफ़ेक्ट को हम क्या कहते हैं, इकोटोन या एज इफ़ेक्ट, जहाँ पे दोनों कम्युनिटी का एक मिक्स टाइप का रूप मिलेगा, इसको हम कहते हैं इकोटोन। और इस फिनोमिनन को या इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एज इफ़ेक्ट। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी, कम्युनिटीज़ के क्या क्या लक्षण हैं। ईच बायोटिक कम्युनिटी एग्जिबिट्स अ नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, सच एज क्या क्या हैं कैरेक्टरिस्टिक, डाइवर्सिटी, डेंसिटी, डोमिनेंस, कंपोजिशन एंड स्ट्रेटिफिकेशन। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं इसका पॉइंट जो है वो क्या है, स्पीशीज डाइवर्सिटी। तो स्पीशीज डाइवर्सिटी यानी कि विभिन्न टाइप की या अलग अलग तरह की स्पीशीज अगर किसमें एरिया में मिलती है, किसी कम्युनिटी में मिलती है, तो उसको हम कहते हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी। यानी कि जितनी अलग अलग तरह की स्पीशीज़ वहाँ पाई जाएगी, वो कम्युनिटी उतनी ही क्या होगी, डाइवर्सिटी उसमें ज़्यादा होगी, और स्पीशीज़ के हिसाब से वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा डाइवर्स होगी। और जो स्पीशीज़ सबसे ज़्यादा मात्रा में वहाँ पाई जाएगी, जिसका परसेंटेज सबसे ज़्यादा है, वो क्या करेगा, उस पॉपुलेशन को या उस कम्युनिटी को क्या करेगा, सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा। फिर आता है आपका ग्रोथ एंड स्ट्रक्चर। ग्रोथ स्ट्रक्चर यानी कि जो भी कम्युनिटी है उसका ग्रोथ पैटर्न क्या है वो, और उसका स्ट्रक्चर या संरचना हम बाहर से देख रहे हैं तो वो कैसा है, वो किस पे निर्भर करेगा, ग्रोथ फॉर्म्स यानी कि उस वहाँ पे किस तरह के प्लांट्स हैं, किस तरह के एनिमल्स रहते हैं, तो उसके आधार पर उसकी स्ट्रक्चर या ग्रोथ कम्युनिटी की हम बता सकते हैं। फिर आता है कम्युनिटी के अंदर कुछ स्पीशीज़ की संख्या बाकियों से कई अधिक होती है, और वो सब उनका वर्चस्व जो होता है वो सारी कम्युनिटी में सबसे ज़्यादा होता है। अगर हम प्लांट्स की बात करें कि अगर कोई एक कम्युनिटी में सबसे ज़्यादा संख्या किसकी, नीम की, नीम प्लांट की या नीम ट्री की, तो हम क्या कहेंगे, यहाँ डोमिनेंट प्लांट स्पीशीज़ कौन सी है, नीम ट्री। इसी तरह से कोई अगर एनिमल या कोई जंतु उसकी जनसंख्या पर्टिकुलर कम्युनिटी में सबसे ज़्यादा है, तो हम कहेंगे कि डोमिनेंट जंतु कौन सा है, तो ये वाला है। तो इस तरह से कोई भी कम्युनिटी के अंदर डोमिनेंस पाया जा सकता है किसी भी स्पीशीज़ की वजह से। फिर आता है इसका फोर्थ पॉइंट, जिसको हम कहते हैं सक्सेशन। सक्सेशन कम्युनिटी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सक्सेशन का मतलब ये होता है कि कम्युनिटी का डेवलपमेंट, यानी कि कम्युनिटी डेवलप्स एज अ रिजल्ट ऑफ डायरेक्शनल चेंज इन इट विद टाइम। समय के साथ एक कम्युनिटी के अंदर जो चेंजेस आते हैं, और कम्युनिटी जिस तरह की हमारा बर्थ होता है ह्यूमंस का या किसी भी एनिमल्स का, और वो धीरे धीरे बढ़कर एक एडल्ट के या वयस्क रूप लेता है, उसी तरह कम्युनिटी का भी बर्थ होता है और धीरे धीरे उसमें डेवलपमेंट होता है और वो एक स्टेज ले लेती है, जिसको हम कहते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी। इसका डिटेल में हम इसी लेक्चर में आगे डिस्कस करेंगे अबाउट द सक्सेशन। फिर आता हमारा करेक्टरिस्टिक या इसकी जो
लास्ट पॉइंट है ट्रॉफिक स्ट्रक्चर, यानी कि कम्युनिटी का संरचना कैसी है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ढांचा कैसा है। तो ये किससे पता चलता है, वहाँ के ट्रॉफिक लेवल्स से। ट्रॉफिक लेवल्स को हम ऑलरेडी अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि विभिन्न, जैसे कि फूड चेन के अलग अलग पॉइंट्स में या फूड चेन के अलग अलग लेवल कौन से हैं, जैसे कि प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, डिकम्पोजर से, ये सब क्या कहलाते हैं कम्युनिटी के लिए, उसके ट्रॉफिक लेवल्स। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे पैटर्न्स ऑफ कम्युनिटी स्ट्रक्चर, यानी कि कम्युनिटी स्ट्रक्चर का पैटर्न क्या है। तो इसमें हम आज डिस्कस करेंगे इसका डिटेल में, इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन किसको कह रहे हैं, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग इन कम्युनिटीज एंड देयर एनवायरनमेंट एट वन प्लेस इन द कोर्स ऑफ टाइम इज कॉल्ड इकोलॉजिकल सक्सेशन। यानी कि कोई भी कम्युनिटी है उसके अंदर जो बदलाव आता है या उसके वातावरण में बदलाव जो आ रहा है एक समय के साथ, उसको हम कह रहे हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन जनरली क्या होता है, हम उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इसके बाद कौन सी स्पीशीज़ या कौन सा डेवलपमेंट स्टेज आएगी। तो उसको हम जनरली क्या कहते हैं, जो फर्स्ट स्टेज है किसी भी एरिया में, जो सक्सेशन के लिए फर्स्ट पॉइंट है, उसको हम कहते हैं पायोनियर स्पीशीज़। यानी कि आप ये समझें, कोई भी हम वहाँ पे सोचें कि यहाँ पे आने वाले टाइम में एक वेल डेवलप्ड कम्युनिटी का डेवलपमेंट हो जाए या फिर एक घना जंगल में बदल जाए अगर वो, तो इस ये काम कैसे होगा, हंड्रेड्स ऑफ इयर्स में होगा। लेकिन स्टार्ट किससे होगा, एक स्पीशीज़ जो कि उस पथरीली ज़मीन के अंदर इतनी कैपेबल है कि वहाँ पे एक तरह से बीज का काम कर सके या कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए एक स्टार्ट का काम कर सकते। तो ऐसी स्पीशीज़ जो कम्युनिटी डेवलपमेंट या सक्सेशन के लिए जो फर्स्ट पॉइंट है या फर्स्ट थिंग है, वो क्या है, उसको हम कहते हैं पायोनियर कम्युनिटी या पायोनियर स्पीशीज़। अब अगर हम टाइप देखें सक्सेशन के, तो सक्सेशन जनरली दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राइमरी सक्सेशन और दूसरा होता है सेकेंडरी सक्सेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्राइमरी सक्सेशन हम किसको कहते हैं। तो प्राइमरी सक्सेशन इसको कहते हैं कि कोई ऐसा एरिया जहाँ पे लाइफ लेस, यानी कि वहाँ पे कोई किसी तरह के जीव जंतु प्लांट्स जिंदगी कुछ नहीं, जैसे कि एक हम समझ लें कि एक चट्टान है या एक बंजर ज़मीन है जो अभी हमने डिस्कस किया। तो अब यहाँ देखेंगे कि प्राइमरी सक्सेशन किस तरह से होता है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि इसका जो फर्स्ट पॉइंट है, इसकी शुरुआत कहाँ से है। इसकी शुरुआत के लिए हम देखते हैं सबसे पहले एक बार रोके, यानी कि ऐसी चट्टान है जहाँ पे कोई लाइफ नहीं है। तो वहाँ पर मिट्टी के साथ समय के साथ हवा के साथ वहाँ पे क्या होगा, कुछ मोसेस की स्पीशीज़, मोस जो होती है उसको हम कहते हैं पायोनियर स्पीशीज़, वो क्या करेगी वहाँ पे स्टार्ट करेगी अपना कॉलोनाइजेशन। देन उसके अंदर क्या होगा, बाद में वो स्पॉइल हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी। तो उसका जो डिकम्पोजिशन होगा उससे वहाँ पे एक तरह की मिट्टी का मिट्टी बनेगी। अब ये जो मिट्टी बनी है सेकेंड स्टेज पे, वो हेल्प करेगी फर्दर जो उसकी आगे के स्टेज है, जैसे कोई भी छोटे प्लांट है जैसे ग्रास है उसको उगने में। तो हवा के साथ जो सीड्स उस मिट्टी पे गिरेंगे तो उससे छोटे छोटे जो हर्ब लाइफ प्लांट है वो उस पे लगेंगे। देन नेक्स्ट स्टेज पे उसकी उर्वरक क्षमता थोड़ी बढ़ेगी, देन शर्ब, देन ट्रीज। इस तरह से हम देखें कि शुरू से अंत तक किस तरह से प्राइमरी सक्सेशन में एक लाइव एग्जांपल अगर हम प्राइमरी सक्सेशन देखें तो इस डायग्राम से आप देख सकते हैं किस तरह से स्टार्ट में एक चट्टान से, उसके बाद जो लाइकेन से, इतनी भी स्टार्टिंग की जो अवस्था है उसको हम क्या कह रहे हैं पायोनियर स्टेज। ये वाली जो आपको दिख रही है वो है पायोनियर स्टेज। फिर ये जो है आपको वो क्या है बीच में इसकी इंटरमीडिएट स्टेज, और लास्ट में जब एक फॉरेस्ट का या एक कंप्लीट स्टेबल कम्युनिटी का डेवलपमेंट हो जाता है उसको हम कहते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी। यानी कि कम्युनिटी बन चुकी है, उसका डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुका है और उसका क्या आ चुका है, क्लाइमेक्स आ चुका है। तो वहाँ जो स्पीशीज़ पाई जाएगी उसको हम क्या कहेंगे, क्लाइमेक्स स्पीशीज़। एक और आप एग्जांपल देख सकते हैं डायग्रामेटिकली किस तरह से प्राइमरी सक्सेशन टाइम के साथ आपको ये दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है आपका सेकेंडरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन उस जगह पे होता है जब पहले से एक कोई डेवलप्ड प्राइमरी कम्युनिटी है वो अपनी क्लाइमेक्स तक पहुंच चुकी है और किसी
एनवायरनमेंट के डिस्टरबेंस से, जैसे कि आग लग जाए उसके ऊपर दोबारा से एक नई कम्युनिटी का डेवलपमेंट हो, तो उसको हम कहेंगे सेकेंडरी सक्सेशन। तो सेकेंडरी सक्सेशन का जो रूट क्या है कि जो पिछली कम्युनिटीज थी, जो उसके सीड्स हैं, जो कि हीट रेजिस्टेंस है या फायर से, आग से रेजिस्टेंस या उसके स्टिमुलेशन से, वो क्या करते हैं वापस उस एरिया में उगने लगते हैं और धीरे धीरे करके एक दोबारा से एक नई कम्युनिटी का डेवलपमेंट होता है। तो इसको हम कहते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। और ये देखा गया कि जो टाइम टेकन है, यानी कि जो समय लग रहा है प्राइमरी सक्सेशन में, उसके कंपेयर में सेकेंडरी सक्सेशन में जो डेवलपमेंट है कम्युनिटी का, वो कई गुना जल्दी हो जाता है। तो ये आप इसका एग्जांपल यहाँ देख रहे हैं कि किस तरह से पहले एक इस्टेब्लिश्ड कम्युनिटी, यानी कि फुली डेवलप कम्युनिटी है, यहाँ देख रहे हैं इस्टेब्लिश्ड कम्युनिटी है, और जैसे ही उसकी फायर के बाद या आग लगने से एक बंजर भूमि में वो कन्वर्ट हो चुकी है, लेकिन उसी के अंदर जो सीड्स पाए जा रहे हैं उसके वजह से दोबारा वहाँ पे क्या शुरू हो गया, प्लांट लगना शुरू हो गए, और फाइनली वहाँ पे बहुत ही जल्दी एक वापस क्लाइमेक्स कम्युनिटी का डेवलपमेंट हो गया है। डायग्रामेटिकली या टाइम के हिसाब से हम देखें, ये इतना जल्दी नहीं होता जितना कि हम सोच रहे हैं, इसको कई साल लग सकते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले में, जैसे कि आपके आग लगी है, देन एक से दो साल में वहाँ पे बहुत थोड़े से कतरे प्लांट्स के लगेंगे, देन तीन से चार साल में आप देख रहे हैं कि थोड़े से जो पायनियर स्पीशीज है वो लग रही है, देन पाँच से लेके 150 साल में, इतने साल में वहाँ पे इंटरमीडिएट स्पीशीज़ आपको देखने मिलेगी, और मोर देन 150 ईयर, 150 साल से ज़्यादा में वहाँ पे हमें क्या दिखेगा, क्लाइमेक्स कम्युनिटी। यानी कि लगभग 150 साल से ज़्यादा लगते हैं किसी एक बंजर एरिया के अंदर एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी के डेवलप होने में। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू सो मच।